पिथौरागढ़ जिला बंदीगृह से एनडीपीएस एक्ट के आरोप में बंद युवती बंदीगृह की दीवार फांदकर फरार हो गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवती ने कपड़ों की रस्सी बनाकर बंदीगृह की दीवार पार की। युवती को पकड़ने के लिए पुलिस की 12 टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। युवती के नेपाल जाने की आशंका को देखते हुए भी एसएसबी के साथ मिलकर पुलिस द्वारा नेपाल सीमा पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी के माध्यम से युवती को ढूंढने के प्रयास तेज कर दिए गए, जिसके लिए पुलिस दुकानों के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। वहीं पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि युवती को पकड़ने में पुलिस की मदद करने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने जनता से भी फरार युवती को पकड़ने में उनकी मदद करने की अपील की। पिथौरागढ़ का जो हमारा लोकअप है, वहाँ से 6 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में एक नेपाली मूल की जो एक अक्यूज थी, जो एनडीपीएस एक्ट में पिछले 2.5 वर्षों से वहाँ लोकअप में जुडिशियल रिमांड पर थी, वो भागने में वहाँ से सफल हुई, और जिसके हेतु पुलिस के द्वारा तुरंत उसमें कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसको ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। उसमें मुकदमा भी उस महिला के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा कुल 12 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें हमारी सर्विलेंस की टीम्स काम कर रही हैं, और बॉर्डर पे जितने भी हमारे ज़िले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी सूचना दी है, और वहाँ पे भी इनकी चेकिंग करवाई जा रही है। चूँकि नेपाली मूल की महिला है, नेपाल भागने का ये प्रयास कर सकती है, इसके हेतु हम लोग एसएसबी के साथ भी प्रयास कर रहे हैं, और जितने भी झूला पुल हैं वहाँ पे हमारी चेकिंग हो रही हैं, और कहीं से भी ये महिला अगर भागने का प्रयास करती है और तो उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि इसकी हम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के प्लेटफॉर्म से फ़ोटो भी फ्लैश किया है, यदि कोई इसकी जानकारी देता है तो उनको नगद 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल के दुमलिंग गांव की रहने वाली अनुष्का उर्फ आकृति, जिसकी उम्र 25 साल, को 2.5 वर्ष पूर्व धारचूला में एसएसबी ने 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विचाराधीन बंदी होने के कारण उसे पिथौरागढ़ बंदीगृह में रखा गया था। युवती के बंदीगृह से फरार होने के बाद बंदीगृह के साथ ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की विभिन्न टीमें युवती को जगह जगह तलाश कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत महर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।